नमस्कार मित्रों, जय माता दी। माता रानी की कृपा से फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो मकर राशि वाले जातकों के लिए बहुत खास और बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले। आज का दिन का क्या है आपका भाग्यशाली रंग, क्या रहेगा भाग्यशाली अंक, इस वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें। इस वीडियो में कोई भी पार्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम में आस्था है, ओम में ही विश्वास है, ओम ही शक्ति है, ओम में ही भक्ति है, ओम की शुरुआत होती है अच्छे दिनों के लिए। आज भावनाओं की बजाय चतुराई और विवेक से काम लें। परिस्थितियां आपके पक्ष में कार्य करेगी। बच्चे की किलकारी से संबंधित शुभ सूचना मिलने से घर में उत्सव भरा वातावरण रहेगा। साथ ही किसी अटके हुए काम को पूरा करने का भी उचित समय है। इस समय किसी भी योजना को बनाने से पहले उस पर भली भांति विचार अवश्य कर ले। बेहतर होगा कि घर के सदस्यों भी सलाह जरूर लें। पैसे के मामले में किसी का भी विश्वास ना करें। सभी गतिविधियां को संभालें। व्यावसायिक स्थितियां धीरे धीरे बेहतर होगी। थोड़ी सी परेशानी आएगी, परंतु सावधानी रखने में आपके कार्य निर्देशन पूरे होंगे। कार्यस्थल में स्टाफ की गतिविधियां पर ध्यान देना जरूरी है। जीवन साथी के साथ उचित तालमेल बिठाकर रखने के लिए आपका सहयोग आवश्यक है। बेहतर संबंधों से दूरी बनाकर रखें। खांसी, जुकाम, बुखार जैसी परेशानी रहेगी, लापरवाही ना करें तथा उचित इलाज आवश्यक लें। और आपका भाग्यशाली रंग होगा नीला, और आपका भाग्यशाली अंक होगा 1। प्रॉपर्टी संबंधी निर्णय लेने के लिए परिवार के लोगों में एक मत होना आज मुश्किल हो सकता है। यदि आप पैसों का बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो विषय में आपका और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। परिवार के साथ भले ही मतभेद हो रहे हो, लेकिन इसका असर आपके रिलेशनशिप पर नहीं पड़ेगा। काम संबंधित बातों में प्राकृतिक नजर आ रही है, तो पति और पत्नी एक दूसरे को पूरा सहयोग देने की कोशिश करेंगे। बुजुर्ग व्यक्ति के सेहत संबंधित तकलीफ दूर होगी। जॉब के लिए भागदौड़ी कर रहे हैं तो आज कोई बड़ी गतिविधियां ना करें। इसके लिए आगे दिनों की प्रतीक्षा करें। प्रमोशन मामले में बाधा आ सकती है। ब्लड प्रेशर की समस्या है तो इस ओर खास ध्यान दें। शिवलिंग पर फूल चढ़ाएं। प्रेम संबंध में जल्दबाजी से बचे। विवाह संबंधी निर्णय लेना है तो आगे के लिए टाल दें। ऑफिस में वातावरण सुखद रह सकता है। जल में जो वह काले तिल डालकर पीपल में चढ़ाएं। देसी घी का दीपक करें। तुलनात्मक रूप से दूर की यात्रा हो सकती है या इसकी योजना तय हो सकती है। विदेश जाने का अवसर मिल सकता है। सांस संबंधी समस्याओं है तो अतिरिक्त सावधानी बरतें। पितरों के नाम पे सार्वजनिक रूप से पेयजल की व्यवस्था आवश्यक करें। कपड़ों के रिटेल कारोबारी और कॉस्मेटिक्स के व्यापारी को हर कदम फूंक फूंक कर उठाना होगा। माइग्रेन से पीड़ित है तो आज इस ओर लापरवाही भी ना करें। धन की अटकाव दुखी सकता है। बुटुक भैरव का सिंदूर नमकीन चढ़ाएं। भावनात्मक संबंध सुख दे सकते हैं। दूर के किसी रिश्तेदार का आना हो सकता है या उसके संबंधी कोई काम करना पड़ सकता है। नाक, कान, गले और खास खास ध्यान देने के काम रखें। हनुमान जी को मीठा पान चढ़ाएं। हर्निया की समस्या से पीड़ित है तो इस उपचार पर खास ध्यान दें। न्यायिक अधिकारी
बनने के लिए परीक्षा दे रहे हैं तो समय आंशिक रूप से अनुकूल रह सकता है। निजी संबंध अफेयर खास रूप ले सकता है। शनिदेव के काले कपड़े में लोहे के वस्तु काले तिल बांधकर चढ़ाएं। नौकरी पैसा महिलाओं को ऑफिस में समस्या आ सकती है। शारीरिक अंदरूनी स्वास्थ्य दुखी कर सकता है। अपनी भावनाओं पर पर्याप्त नियंत्रण रखें। सफेद रसदार मिठाई दान करें। मूरस और फेकरस को अच्छा लाभ हो सकता है। हड्डी की पिछली को लेकर पर्याप्त रूप से सजग रहे। दिमागी उठापटक रह सकती है। गणेश भगवान का गुड़ के पानी अभिषेक करें। आज का दिन शुरुआत बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगी। आपके अपने प्रति कुछ नया करने की इच्छा भी पूर्ण होगी। भाग्य का सितारा प्रबल है। आपके कार्य के प्रति आपका उत्साह आपको अवश्य ही सफल बनाएगा। किसी परिजन से मुलाकात भी होगी, परंतु जल्दबाजी में कोई गलत फैसला लेने से दिक्कत आएगी। ज्यादा रोक तो टोक की वजह से बचे। विड्रॉ हो सकती है, इसलिए अपनी बात ही शांतिपूर्ण तरीके से जरूरी है। समय बहुत ही सावधानी से व्यतीत करने का युवाओं को रोजगार के लिए नए अवसर मिलेंगे, जिससे और अधिक आत्मविश्वास उत्पन्न होगी। इस समय समझदारी के व्यवसाय संबंधी निर्णय लेना भी लाभदायक रहेगा। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में ज्यादा ध्यान दें। छोटी सी गलतफहमी पति पत्नी के संबंधों में तनाव उत्पन्न करेगी, परंतु आपकी सूझबूझ से समस्या हल भी हो सकती है। उन्हें कोई अच्छा उपहार देना ना भूलें। किसी किसी समय मानसिक तनाव बढ़ सकता है। शांत रहने के लिए प्रयास करें तथा मेडिसिन में भी कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। यदि आपको अपनी परिस्थिति में बदलाव लाना है तो प्रयत्नों को और बढ़ाना होगा। फिलहाल परिस्थिति आपके पक्ष में है, इसलिए